नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार, जो आपके अपने चैनल नो योर स्टॉक्स में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, क्योंकि इन्होंने अपने जून क्वार्टर का रिजल्ट को रिलीज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि ये कंपनी अपने जून क्वार्टर के रिजल्ट में किस तरह के डेटा को मेंशन किया है। इसके बाद इसके टारगेट की भी हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हम लोगों को इसमें इंटर करना चाहिए इस प्राइस पे या फिर नहीं। तो चलिए सबसे पहले शॉर्ट में हम लोग FCS सॉफ्टवेयर के रिजल्ट को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डेटा लगे हुए हैं ये इस कंपनी के इन लाख में डेटा लगे हुए हैं, लेकिन इसे हम करोड़ में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, FCS के द्वारा जो टोटल इनकम पोस्ट किया गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और अदर इनकम से इस क्वार्टर में वो 11,20,06,000 का किया गया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 17,66,64,000 का इन्होंने अपना टोटल इनकम पोस्ट किया था, जबकि पिछले ईयर जून क्वार्टर में इनका जो टोटल इनकम था वो 9,18,34,000 का। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंपेरिजन करते हैं पिछले क्वार्टर से तो यहाँ पे FCS का जो इनकम है उसमें गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका जो अदर इनकम है वो 8 करोड़ का है, लेकिन इस क्वार्टर में केवल और केवल 2 करोड़ का इन्होंने अपना अदर इनकम पोस्ट किया। इट मीन्स इनका जो कोर बिजनेस है वो करीब करीब सेम ही आपको देखने को मिल रहा है। इट मीन्स इनका कोर बिजनेस अभी भी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल एक्सपेंस इस क्वार्टर में 9,51,39,000 का इन्होंने पोस्ट किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 12,96,89,000 का इन्होंने अपना टोटल एक्सपेंस पोस्ट किया था, जबकि पिछले ईयर जून क्वार्टर में इनका टोटल एक्सपेंस 8,38,58,000 का था। तो फ्रेंड्स, इनका जो एक्सपेंस है वो इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर की तुलना में काफी हद तक इन्होंने कंट्रोल किया है, और इसका परिणाम आपको अच्छे देखने को मिलेंगे कि इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें आपको अवश्य इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगी। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग इनके नेट प्रॉफिट को ही देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं कि FCS के द्वारा जो टोटल नेट प्रॉफिट पोस्ट किया गया है इस क्वार्टर में वो 1,36,19,000 का किया गया है, जबकि पिछले क्वार्टर में इस कंपनी को 1,12,71,000 का लॉस हुआ था, जबकि पिछले ईयर जून क्वार्टर में इनका जो टोटल नेट प्रॉफिट था वो सिर्फ और सिर्फ 55,70,000 का था। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आप कंपेरिजन करते हैं पिछले मार्च क्वार्टर से तो इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें शानदार उछाल देखने को मिला है, और अगर आप पिछले ईयर जून क्वार्टर से भी तुलना करेंगे तो इनका नेट प्रॉफिट काफी शानदार बढ़ते हुए यहां दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि FCS सॉफ्टवेयर में हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि इनका रिजल्ट तो अभी अच्छा देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इस कंपनी का जो बिजनेस था वो US में ज्यादा रन किया था। जैसा कि इस कंपनी का बिजनेस है वो IT सेक्टर का है और ये कंपनी इंडिया और US में काफी हद तक मार्केट को पकड़े हुए हैं, और US से इस कंपनी को करीब करीब 60% के आसपास 2023 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट हुआ था, जबकि डोमेस्टिक से उन्हें केवल और केवल 41% के आसपास इनकम इन्होंने जनरेट किया था। लेकिन इस क्वार्टर में अगर बात करेंगे तो इंडिया से इस कंपनी को शानदार इनकम जनरेट हुई है, क्योंकि आप यहां देख सकते हैं कि USA से इस कंपनी को जो इस बार इनकम जनरेट हुआ है वो 4,40,65,000 का हुआ है, जबकि इंडिया से 4,64,95,000 का इन्होंने अपना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इनका जो बिजनेस है कभी इंडिया में ग्रो करता है तो कभी USA में इनका पकड़ अच्छा होता है। फ्रेंड्स, अभी US में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं उसी की वजह से IT सेक्टर के स्टॉक में थोड़ा दबाव आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही US में आपको मंदी छटते हुए का न्यूज जैसे ही आएगा आपको IT सेक्टर में एक बूम देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये स्टॉक आपको करोड़पति ही बना देगा, लेकिन हाँ, अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में FCS सॉफ्टवेयर को भी जगह दे सकते हैं, और आने वाले समय में FCS सॉफ्टवेयर का जो प्राइस है वो आपको 6 रुपये को क्रॉस करते हुए दिख सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और नारी का सम्मान करें।